बाइक खराब हो गई, स्टार्ट ही नहीं हुआ, इतनी ठंड थी। फोन गिर गया, ओह नो, ओह नो, स्क्रीन टूट गया यार, शिट। दिस आप यहाँ पे नेचर के नीचे शावर ले सकते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फाइनली हम निकल रहे हैं देसिया इको स्टे से। थैंक यू भाई, थैंक यू। अभी हम निकल के जा रहे हैं टुवर्ड्स देवमाली और वहाँ पे हमारा आज का स्टे है एंड दैट इज़ द मेन प्राइम अट्रैक्शन जिस वजह से हम यहाँ आए हैं या इतना दूर आए हैं। बट आई मस्ट से हम बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर्स में हैं उड़ीसा के। आई मीन नॉर्मली टूरिस्ट इतना दूर आना नहीं चाहते हैं बिकॉज ये बहुत दूर है, बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर्स में है। तो हमारी नींद टूट चुकी थी सुबह 5 बजे से, जैसा कि आपने देखा हमने थोड़ा जंगल का सैर किया वगैरह वगैरह, ब्रेकफास्ट किया मस्त आलू पराठा और ऑमलेट, अमेजिंग जिंजर टी और फाइनली हमने अपना बैग पैक किया और निकल पड़े हैं अपनी तीसरी मंजिल की ओर। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी अमेजिंग स्टे। स्टे ट्यून्ड, रास्ते में अगर कुछ अच्छा व्यू पॉइंट मिलता है तो हम वो भी जरूर शेयर करेंगे। बाइक खराब हो गई, बाइक अपने आप बंद हो गया यार, चलते चलते बंद हो गया, शुरू हो गया, शुक्र अल्लाह का। ऐसे जगह में बाइक का अचानक से बंद हो जाना किसी बुरे सपने से कम नहीं है, शुक्र है अल्लाह का कि फिर से स्टार्ट हो गया। बट ये क्यों हुआ ऐसे, ये दिखाना होगा जाकर के सर्विस सेंटर में। एनीवे लेट्स फोकस ऑन अ राइड। कितना खूबसूरत लग रहा है। नेचुरली हम ह्यूमन बीइंग्स या इंसान कुदरत की तरफ खींचे चले जाते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं हम कुदरत से ही जुड़े हुए हैं। चाहे आप जितना पैसा कमा लें, जितने बड़े बड़े शहरों में जितनी ऊंची ऊंची इमारतों पर रह लें, आपका दिल हमेशा उसी तरफ आता है जिस तरफ कुदरत होती है। फाइनली वी आर अबाउट टू रीच देवमाली इको रिजॉर्ट, इनफैक्ट देसिया देवमाली, और लगभग 16 मिनट दिखा रहा है 11 किलोमीटर। द एक्साइटमेंट इज बिल्डिंग अप, जाइगेंटिक। यही होगा, दिस इज देसिया देवमाली, वेलकम टू देसिया देवमाली। Our minds were blown away and our hearts were pounding with joy जब हमने देखा ये नजारा, the place that we are going to stay for another one day is nestled in the midst of nature surrounded by mountains. aur aise yahan sirf 4 cottages hain. come let's go inside. ye entire cottage wooden flooring aur wooden walls se bane hue hain because yahan pe sardi bahut kadake ki hoti hai to preserve yourself from the bone chilling cold. this cottage is designed in wooden format and oh the best part, look at this. this bathroom, open area showering. aap yahan pe nature ke niche shower le sakte hain. this cottage costed us 4,000 rupees including GST for 2 adults including breakfast complimentary.
वी हैड एन अमेजिंग देसिया स्टाइल कुक्ड लंच विथ ऑल द ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फिश। तो अभी हमने फटाफट पहुंचते ही लंच कर लिया, रूम में अपने बैग्स फेंक दिए, टी शर्ट बदल लिया। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स देवमाली, द हाइएस्ट पीक ऑफ ओडिशा। और ये पता चला है कि यहाँ से देसिया देवमाली जो रिजॉर्ट है, यहाँ से देवमाली इज अराउंड 7 to 8 kilometers, बट दैट इज़ नॉट द पीक। पीक पे जाने के लिए बाइक वहाँ पे आपको छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ेगा लगभग आधा घंटा 40 मिनट के लिए। तो वी वॉन्ट टू विटनेस द सन सेट एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इट। द नेक्स्ट शॉर्ट्स विल बी फ्रॉम द रोड्स टू माउंटेन। ये दूसरा वॉच टावर है और एकदम पीछे वहां पे जो आप देख रहे हैं वो तीसरा वॉच टावर। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ टेबल टॉप माउंटेन। दूर वहां पे कॉटेजेस भी बन रहे हैं, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, शायद 6-7 महीने में ओपन हो जाएंगे। वो है देवमाली और वही है हाईएस्ट पीक। बहुत सारे लोग यहाँ तक आते हैं और यहाँ पे ऐसे लिखा है देवमाली 0 kilometers, उनको लगता है यही है देवमाली और यहीं से रिटर्न कर जाते हैं, बट एक्चुअली आपको यहाँ से नीचे उतरना है, वहां जाना है, वहां पे आपको अपनी गाड़ी रखनी है और फिर पैदल ट्रेकिंग करके हाफ एन आवर का पैदल ट्रेकिंग करके आपको ऊपर जाना है। ये है फोर्थ वॉच टावर और यहाँ पे आपको शायद अपना बाइक रख के यहाँ से ट्रेकिंग करके जाना होगा। तो बेसिकली हमने अपना बाइक वहाँ रखा है वो वॉच टावर के पास और यहाँ से आपको पैदल चल के जाना है टूवर्ड्स, और लगभग हाफ एन आवर का ट्रेकिंग या क्लाइंबिंग जो भी आप बोल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सनराइज या सनसेट के टाइम पे आते हैं दैट इज द बेस्ट टाइम, जिसे गोल्डन आवर कहते हैं। लेट्स सी द व्यू फ्रॉम द टॉप। आज अगर वक्त बुरा है तो दुनिया को हंसने दो, कल जब तुम अपनी कहानी सुनाओगे तो लोगों ने क्या क्या कहा था ये कैसे बताओगे। इसलिए थोड़ा सा सब्र रखो और बेहिसाब मेहनत करो, कल जब अच्छा वक्त आएगा ये दुनिया तुम पर हंसते हंसते तुम्हारे साथ हंसने का मौका ढूंढने लगेगी। वाट कर लिया, सांसें बहुत ज्यादा फूल रही हैं, बट फिर भी पहुंचना है। आइए, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, देवमाली 0 kilometers लिखा होता है, देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये हाईएस्ट पीक नहीं है, हाईएस्ट पीक वहाँ है, तो हमें वहां जाना है। यहाँ पे इतनी शांति है, साइलेंस, इट्स लाइक डेफिनिंग साइलेंस। इतना ज्यादा साइलेंस है कि आप अपने हार्ट बीट भी सुन सकते हैं, सांसें तो गिन ही सकते हैं बट हार्ट बीट भी सुन सकते हैं। बट यहाँ अगर आप आते हैं तो अपने साथ पानी ज़रूर लाइएगा, बिकॉज प्यास आपको लगेगी और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। गेट वाटर विथ यू, लाइए पानी बट ऐसे मत फेंकिए, अपना कचरा अपने साथ लेके जाइए, डोंट स्पॉयल और रुइन द नेचर। व्हेन दे से इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द डेस्टिनेशन, इवन द जर्नी इज इम्पॉर्टेंट। सफ़र तुम्हारे साथ बेहद छोटा रहा मगर तुम यादगार हो गए उम्र भर के लिए। हम कितने ऊपर हैं इसका एक अंदाज़ा दिखाने के लिए मैं दिखाता हूँ आपको हमने बाइक कहाँ रखी है। वो
वहाँ पे वाइट कार्स दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे जो टावर है उस टावर के नीचे हमने अपना बाइक रखा है। और मेरा गला सूख चुका है पूरी तरह से, अभी आधी चढ़ाई और करनी है, देख सकते हैं वहाँ तक पहुँचना है। चलते हैं अल्लाह का नाम लेकर। पहले वहाँ थे, वो देखिए, पता नहीं आप देख भी पाएंगे या नहीं, एग्जैक्टली यहाँ से हम आए हैं, यहाँ फिर आए हम यहाँ और वहाँ से इधर से होते हुए हम अभी आए हैं यहाँ, और भी ऊपर जाना है। I have almost reached the summit. क्या नज़ारा है, आई एम टेलिंग यू, मैं अपने फ़ोन के कैमरे से वो दिखा नहीं सकता जो मैं अभी एहसास कर रहा हूँ। और आप अपने फ़ोन के स्क्रीन में बैठ के ये देख के वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो खूबसूरती एक्चुअली में यहाँ एग्जिस्ट करती है। शायद ही आपको कोई ये शॉट्स दिखाएगा, बिकॉज 99% लोग जो देवमाली आते हैं वो नीचे से ही चले जाते हैं, कोई भी यहाँ आने की हिमाकत नहीं करता। वो तो हम दोनों के मन में चुल और बुल है, तो हम लोग आ गए ऊपर, बट सनसेट देखने आए थे और क्लाउड्स ने ढक दिया सन को, तो अंधेरा होने से पहले अभी नीचे निकलना है, बट पहले समिट को तो छू के आते हैं। रनिंग टू द टॉप ऑफ उड़ीसाज हाईएस्ट पीक देवमाली। ग्रेट, यहाँ पे अपने इंडिया का, भारत का फ्लैग, परचम लहरा रहा है। लुक एट दिस। This is surreal. आप शायद ही कभी ऐसा एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपने लाइफ में। This is the highest peak of Odisha, देवमाली, और ये लगभग 5,670 फीट ऊंचाई पर है अबव सी लेवल। This is just pure nature. ये नज़ारा, ये मंज़र, ये फिज़ा देख के कुछ बात याद आई। जैसे कि बहुत लोग ये बोलते हैं जब वो कोई भी शिखर पर पहुंच जाते हैं, कोई भी माउंटेन शिखर पर पहुंच जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैंने ये शिखर को फतेह किया, इसे कॉन्कर किया। बट असली बात तो ये होती है कि हम इंसान इतने कमज़ोर हैं, इतने वीक हैं कि हम इन मैसिव पहाड़ों को, चट्टानों को, माउंटेन्स को हम कभी कॉन्कर नहीं कर सकते। हम क्या कॉन्कर करते हैं? हम कॉन्कर करते हैं अपनी इच्छा शक्ति को, अपने विल पावर को। जब हम ऊपर चढ़ाई करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, बस इतना ही और नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उस नेगेटिव थॉट को ओवरकम करके यहाँ तक पहुँचते हैं, तो सही मायने में हमने अपने आप को कॉन्कर किया, हमने अपने डर को कॉन्कर किया। हम कभी माउंटेन्स को कॉन्कर नहीं कर सकते, हम इतने बड़े भी नहीं हुए। और ये जब माउंटेन्स अपने आप में ही इतिहास हैं, कई हजारों साल बनी हुई हैं, भला हम इसे कैसे कॉन्कर कर सकते हैं? लेकिन इंसान से बड़ा इंसान का ईगो होता है, जो उसे ये बोलने पे इनकरेज करता है
बट ये गलत है. वी कॉन्कर अवर फियर्स, वी कॉन्कर अवर लिमिटेशंस, वी डू नॉट कॉन्कर द नेचर. वी कैन नेवर कॉन्कर द नेचर. नेचर की ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं है. अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिए वीडियो और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ. सनसेट ने हमें दे दिया धोखा. अब देख सकते हैं पीछे बादल आ गया है. प्रॉपर सनसेट विटनेस नहीं हो पाएगा लेकिन अंधेरा जल्दी हो जाएगा. हमें 5,670 फीट की ऊंचाई पे अब इतना हमें उतरना भी है इससे पहले कि अंधेरा हो जाए. लेट्स कॉल इट अ डे. और आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए राइड बी एच पी. Thank you, enjoy!